Hello everyone, welcome to my channel Com Scholar. In this video lecture we are going to study about material costing. देखिए material costing पहले आपको समझना पड़ेगा, that means what is the objective to study this particular chapter. Material that means costing, आपको पता है हम basically cost जो आपका chapter आपका cost accounting जो subject है वो क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं. That is आप कहीं भी कोई भी आप कोई प्रोडक्शन कर रहे हो किसी भी प्रोडक्ट की, एक्स वाई जेड कोई भी हो, राइट. तो उसको फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टिल द एंड ऑफ सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट आपको ओवरऑल कॉस्ट जो उसकी मिनिमाइज करनी है, राइट. पर यहाँ पर हम क्या बढ़ रहे हैं, मटेरियल कॉस्टिंग. तो यहाँ पर ओनली हम बात करें दैट इज टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ मटेरियल, राइट. एंड इफ वी टॉक अबाउट मटेरियल, मटेरियल आपके पास देखिए दो टाइप के होते हैं. कौन कौन से होते हैं सर, मटेरियल आपके दो तरह के हैं, दैट इज डायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट मटेरियल. डायरेक्ट मटेरियल मीन्स दैट इज विच अफेक्ट डायरेक्टली on the cost of material, but वो एंड ये अफेक्ट करता है indirectly, right. But in this chapter we are mainly concerned on only on direct material. Indirect तो हम बाद में पढ़ते रहेंगे, वो तो ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है, but mainly हमारा focus इस chapter में किसमें है, only on the direct material. देखिए अगर हम बात करें material की, तो यहाँ पर हम मटेरियल मीन्स डायरेक्ट की बात कर रहे हैं. और मटेरियल किस फॉर्म में हो सकता है आपका, भाई ऑब्वियसली सर वो टेंजिबल फॉर्म में होगा. अच्छा हम टेंजिबल मटेरियल का करेंगे, आप हमारे समारोह वैसे देख रहे थे मटेरियल आके ला के रख देंगे, आपने खरीदा उसका करोगे क्या, दैट इज टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स. मेन तो ऑब्जेक्टिव यही है, मैं सिर्फ ला के रखोगे या फिर कुछ करोगे, आप इनपुट से आउटपुट में कन्वर्ट तो करोगे. तो मटेरियल के आपके एक तरह के आपके टेंजिबल आपके गुड्स हैं, और मेनली आपका टारगेट दैट इज टू कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स, राइट. चलिए ये तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव तो यही है कि हमें कन्वर्ट करना है, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, कॉस्टिंग. कॉस्टिंग किसकी, मटेरियल की. इट मीन्स इस ओवरऑल मटेरियल की कॉस्टिंग को कैसे मिनिमाइज करना है, हमें मेनली चैप्टर में ये पढ़ना है. मींस मटेरियल जब आप फैक्ट्री में लेके आओगे, ठीक है, जब लेके आओगे दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ परचेजिंग उसकी कॉस्ट को कैसे मिनिमाइज करें. बिकॉज ऑब्वियसली देखो मटेरियल कॉस्ट अगर आप खरीदते टाइम में इसका कॉस्ट आपने मिनिमाइज कर ली, तो आपकी ओवर कॉस्ट आपकी इफेक्ट तो करेगी ना. अगर आपने वही मिनिमाइज कर लिया तो आपकी ओवरऑल कॉस्ट भी मिनिमम हो जाएगी, राइट. तो आपको मैंने देखने की परचेज कि जिस जो भी मटेरियल, चाहे आप मटेरियल देखो आप क्वालिटी से आप चाहे आप कॉम्प्रोमाइज करो ना करो, आपको ओवरऑल प्राइस पे तो करते हैं. ऑब्वियसली आप बिजनेस कर रहे हो तो आपका अपना प्रॉफिट तो देखना है, राइट. तो आपको देखना है कि क्वालिटी प्रोडक्ट भी हो, लेकिन आप जो है एक पर्टिकुलर प्राइस इससे भी जाते नहीं हो, राइट. तो आपको देखना है कि आपको मटेरियल की ओवरऑल कॉस्ट को कैसे मिनिमाइज किया जाए एट द टाइम ऑफ परचेजिंग, राइट. देखिए अगर हम बात करें प्रैक्टिकली, मान लीजिए जैसे आपकी एक फैक्ट्री है, ये क्या है, फैक्ट्री है. अब इसमें मान लीजिए आपकी फैक्ट्री का जो आउटपुट है, मान लीजिए आप हर साल मान लीजिए आप 12,000 यूनिट आपके आउटपुट निकाल रहे थे, मीन्स डिमांड आपने खुद एनालाइज किया, मार्केट में मेरे प्रोडक्ट की डिमांड जो 12,000 है, तो मैं 12,000 ही आउटपुट निकालते हैं. सिर्फ एक मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, कुछ नहीं, राइट. अब 12,000 आउटपुट खरीदने के लिए क्या आप आउटपुट निकालने के लिए क्या 12,000 ही खरीदोगे, कुछ तो वेस्टेज भी होता है. तो मान लीजिए आपने 15,000 इनपुट आपने रॉ मटेरियल आपने परचेज किया, उसको कन्वर्ट करा, इसको आपने कन्वर्ट करा, तो आपके हाथ में कितना है 12,000, बाकी जो 3,000 है वो क्या होगा आपकी, ये क्या होगा आपका वेस्ट, राइट.
अगर मान लीजिए, अगर आपने स्टार्टिंग में ही जब आपने इसको इनपुट लेके आए थे, अगर आपने इसकी कॉस्ट को मिनिमाइज कर दिया, इसकी कॉस्ट को मिनिमाइज कर दिया, राइट, तो आपके इस वेस्टेज भी इफेक्ट आएगा कॉस्टिंग पे, और आपके ओवरऑल आउटपुट भी इफेक्ट आएगा। और इससे आपको बेनिफिट क्या होगा, आपका आप इसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा रख सकते हो, राइट। तो अगर आपने कॉस्ट को मिनिमाइज कर लिया तो आपकी ओवरऑल प्रॉफिट पे इफेक्ट आएगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा आपका। तो मेन हमें पढ़ना है कि हाउ टू मिनिमाइज द कॉस्ट एट द टाइम ऑफ परचेजिंग द रॉ मटेरियल, हम वही पढ़ने जा रहे हैं, राइट। तो देखिए, इसका एक टर्म है, दैट इज कॉल्ड परचेज रिक्विजिशन, परचेज रिक्विजिशन। देखिए, परचेज रिक्विजिशन बेसिकली क्या होता है, दैट मींस अगर मान लीजिए, अगर मतलब फॉर एग्जांपल आपको 15,000 यूनिट का अगर आपको इनपुट अगर आप देने जा रहे हैं, दैट मींस आपको एक ऑर्डर देना होगा किसको, सप्लायर को। सप्लायर को एक ऑर्डर देना होगा, भाई आप खुद तो ना बना रहे, आप भी किसी से ले रहे हो, तो वो कौन है, सप्लायर है, राइट। तो आप अगर अपने सप्लायर को एक फॉर्मल रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हो, एक फॉर्मल रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हो, सर किस चीज़ की, आपने एक लिस्ट प्रोवाइड करी कि आपको ये 10 नंबर ऑफ प्रोडक्ट चाहिए, चाहिए आपको, आपको चाहिए चाहिए, राइट। दैट मीन्स जो आपका स्टोर कीपर जो भी होगा वो सारे बुक कीपिंग रखेगा और आपको बताएगा कि हमें अब ये स्टॉक चाहिए, ठीक है। तो आपके पास एक फॉर्मल रिक्वेस्ट, आप एक सप्लाई को सेंड करते हो, इसी को बोलते हैं हम परचेज एक्विजिशन, राइट। अब आप चुके सर इसमें मतलब हम क्या मुश्किल था इसमें, मुश्किल ये नहीं था, मुश्किल था जब आपका ये एक और कंसेप्ट पड़ता, दैट इज कॉल्ड परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर और परचेज एक्विजिशन में डिफरेंस होता है, डिफरेंस क्या होता है, इसमें भी आप जो है एक सप्लायर को एक ऑर्डर पास करते हो, किसके लिए, ओनली फॉर द स्पेसिफाइड प्रोडक्ट्स और मटेरियल एट स्पेसिफाइड प्राइस। यानी कि इसमें आपके ऊपर है कि आप अपनी फैक्ट्री में कौन से इनपुट या कौन से रॉ मटेरियल आप जो है मशीन में डालते हो और क्या आउटपुट आप निकाल रहे हो, राइट। और आपको उस प्रोडक्ट की आपकी स्पेसिफाइड प्राइस आप ही के हिसाब से डिसाइड होगी, तो उसको बोलते हैं परचेज ऑर्डर। तो ये डिफरेंस है आपका परचेज एक्विजिशन, यहाँ पर परचेज ऑर्डर। एक तरह से ये आप एक रिक्वेस्ट करते हो सप्लायर को कि हम आपको एक फॉर्मल रिक्वेस्ट कर रहे हैं बाय दी स्टोर कीपर कि हमें दीज नंबर ऑफ लिस्ट चाहिए, और आप अपना जो है एक कोटेशन सेंड कर दो। अगर आपको कोटेशन पसंद आता है तो आप उसको एक्सेप्ट करते हो आप, और आप उसको ऑर्डर देते हो। लेकिन परचेज ऑर्डर में क्या होता है कि आपको सिर्फ चाहिए था एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होती है कि नहीं हमें तो यही मटेरियल चाहिए और इसी प्राइस पे चाहिए, तो इसको बोलते हैं हम परचेज ऑर्डर, राइट। सो समटाइम्स क्वेश्चन में डिफरेंस आता है, बट इज द डिफरेंस बिटवीन परचेज एक्विजिशन एंड परचेज ऑर्डर, ऑलराइट। चलिए नेक्स्ट, अब हम बढ़ने जा रहे हैं अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन में, बिकॉज देखिए इसमें से देखा जाए तो मेनली आपके जो है 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो आपका है दैट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, पढ़ेंगे अभी होता क्या सब। इसके बाद आपसे पूछा जाता है दैट मीन्स ऑर्डर लेवल, कि आपको कब ऑर्डर देना चाहिए, अगर आपकी ये सिचुएशन है तो कितना ऑर्डर देना चाहिए। इसके बाद आपसे पूछे जाते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ द लीफ ऑफ इफ, दैट मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट एंड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के हिसाब से, जो आपको अगर आपको कोई ऑर्डर आता है सप्लाई करना है तो आप किसके अकॉर्डिंग करोगे, किस ऑर्डर के थ्रू करोगे, ताकि आपकी ओवरऑल जो है कॉस्ट जो मिनिमम ही रहे, ऑलराइट। बिकॉज ऑब्वियसली देखा भी हमने, हमें क्या पढ़ा, हम क्या पढ़ रहे हैं, मटेरियल कॉस्टिंग, दैट इज आपका ऑब्जेक्टिव यही होना चाहिए कि हाउ टू मिनिमाइज द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ मटेरियल, ऑलराइट। चलिए, ये शीट है, मैं इसमें एक ड्राइव लिंक में डाल दूंगा तो आप वहां से डाउनलोड कर लेना, मटेरियल कॉस्टिंग का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। जी लिमिटेड मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट विच हैज़ अ मंथली डिमांड ऑफ 4,000 यूनिट्स। द प्रोडक्ट रिक्वायर्स अ कंपोनेंट ऑफ एक्स दैट इज परचेज्ड एट ₹20। फॉर एवरी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स
1 unit of component is required. The ordering cost is 120 per order and the holding cost is 10% per annum. देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है मेनली आपका डिपेंड किस पे, दैट इज ई ओ क्यू. दैट इज देखो यहाँ से पूछा हुआ है फाइंड आउट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. पहले आपको सुनाता हूँ कि व्हाट इज ऑल अबाउट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. इकोनॉमिक ऑर्डर मतलब दैट मीन्स आपको मेनली देखना है कि इकोनॉमिकली आप कितने नंबर ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी दो ताकि आपकी ओवरऑल कॉस्ट है वो मिनिमाइज हो जाए. इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब क्या, दैट मीन्स आपको कितने नंबर ऑफ ऑर्डर देने हैं ताकि आपकी ओवरऑल कॉस्ट है वो मिनिमाइज हो जाए. दैट मीन्स द क्वांटिटी टू बी परचेज सो एज टू मिनिमाइज द ओवरऑल कॉस्ट. यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दैट इज क्वांटिटी टू बी परचेस्ड सो एज टू मिनिमाइज द कॉस्ट. अच्छा यहाँ पर कौन सी कॉस्ट की बात कर रहे हैं वो भी देखना होगा आपको. मीन्स हम कौन सी कॉस्ट की बात, कौन सी कॉस्ट मिनिमाइज करनी है. देखिए थोड़ा पट्टी को सोचिए. अभी जैसे मैंने एग्जांपल दिया, जैसे मान लीजिए आपकी डिमांड है कि आप ओवरऑल जो है 12,000 यूनिट्स मान लीजिए आप ऑर्डर देते हो. अभी ऊपर चलो एग्जाम्पल देते 15,000 का, तो 15,000 यूनिट्स के लिए एग्जाम्पल लेते हैं. आपको पूरे साल में 15,000 यूनिट्स देना होता है. अगर मान लीजिए 15 यूनिट्स अगर आप एक लोट में ही ऑर्डर दे देते हो राइट, तो 15,000 एक साथ तो आप रॉ मटेरियल को एक साथ फिनिश्ड प्रोड्यूस में कन्वर्ट तो करोगे नहीं, धीरे धीरे करोगे. सो दैट मीन्स यू नीड सम काइंड ऑफ स्टोरेज. अब एक लोट इतना बड़ा लोट लेके आओगे तो आप कुछ ट्रांसपोर्टेशन का भी यहाँ पे लोगे, तो आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी आएगी. स्टोरेज करोगे तो आपकी स्टोरेज कॉस्ट भी आएगी राइट. अब मान लीजिए कि अगर एक लोट में मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ एक लोट में मान लीजिए अगर आप 15,000 यूनिट अगर आप लेके आते हो ठीक है, एक लोट में मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको कम से कम मान लीजिए 100 रुपये लगते हैं. मैं सिर्फ एग्जाम्पल ले रहा हूँ ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में आपको 100 रुपये लगते हैं एक लोट में ठीक है. तो आपके एक लोट के हिसाब से देखिए आपके देखिए कितने पड़ गए, मतलब पर यूनिट कितना पड़ गया, 15,000/100 यानी कि आपको 150 रुपये पर यूनिट आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पड़ेगी राइट. और मैं एग्जाम्पल सपोज स्टोरेज कॉस्ट पर यूनिट मान लीजिए मान लीजिए सपोज मान लीजिए पर यूनिट के हिसाब से मान लीजिए लगती है 1 रुपये लगता है. मैं सिर्फ एग्जाम्पल 1 रुपये लगता है पर यूनिट के हिसाब से, तो स्टोरेज कॉस्ट कितनी होगी 15,000. और मान लीजिए एक लोड यानी कि जो जिस आपने परचेज किया 15,000 मान लीजिए इसकी एक कॉस्ट की वैल्यू कितनी है 10 रुपये, तो कितने होंगे 1.5 लाख रुपये. तो आपकी ओवरऑल कॉस्ट कितनी होगी 1.5 लाख. इतने में खरीदा 150 रुपये आपने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगाया, स्टोरेज कॉस्ट कितनी होगी 15,000, तो ओवरऑल कॉस्ट कितनी होगी आपकी 1,65,150. ये आपकी टोटल कॉस्ट होगी राइट. अब इसको थोड़ा और अच्छे समझते हैं. मान लीजिए अगर आपको एक लोट में नहीं खरीदना, आप बोल रहे मेरी स्टोरेज कॉस्ट देखिए आप बहुत ज़्यादा लग रही है, उसको मिनिमम करना चाह रहे हो. अब मान लीजिए आपने इसको लगा चलो 3 लोट में लगा दें, अब मान लीजिए यही तो ये तो इतने में ही आएगा 15,000 के हिसाब से भाई खरीदोगे तो पूरे साल में इतना ही ना, पूरे साल में तो 15,000 यूनिट में आएगा. तो आप कितने लोट में ले गया लेके आओगे तो 15,000 ही, और 10 रुपये के हिसाब से आपकी कॉस्ट कितनी 1.5 लाख रुपये. अब एक लोट में ट्रांसपोर्टेशन कितने मान लिया 3 लोट में लेके आए हो, तो अब खर्चा कैसे लगेगा 3 लोट के हिसाब से, यानी कि एक लोट में कितना लगेगा आपका, आपका एक लोट में खर्चा कितना लग रहा है 5,000 रुपये लग रहा है, 5,000 रुपये लग रहा है. और क्या नाम है पर सॉरी पर लोट में आपके डिवाइड बाय 100 भी करेंगे इसको सॉरी
सो दैट मीन्स आपका खर्चा कितना आ गया 50 रुपीज़। तो यहाँ देखिए आपका ये कम हो गया। फिर उसके बाद आप मान लीजिए स्टोरेज में, अब आपकी देखिए पहले आप 15-15 हज़ार रखते थे, अब एक ही बार रखोगे तो 5-5 हज़ार, 5-5 हज़ार रखोगे तो आपकी ओवरऑल कॉस्ट ही तो कम पड़ेगी, एक साथ पैसे देने नहीं पड़ेंगे, आप उसका आगे फाइनेंस भी कर सकते हो, राइट। तो आप इसमें क्या समझ रहे हो, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में, दैट मीन्स आप कितनी क्वांटिटी में आप अपने रॉ मटेरियल को परचेस करो ताकि आपकी ओवरऑल कॉस्ट कम हो जाए। अच्छा, मेनली यहाँ पर जो कॉस्ट की बात हो रही है, यहाँ पर मेनली दो टाइप की कॉस्ट हो रही है। एक तो होती है आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, यानी कि ये मिनिमम हो, और एक होती है आपकी स्टोरेज कॉस्ट, यानी कि ये भी आपकी मिनिमम हो। अच्छा, ये दोनों जो कॉस्ट है ना, इनमें आपका हमेशा याद रखना इनवर्स रिलेशन होगा। पर वो कैसे इनवर्स रिलेशन कैसे हो सकता है, वैसे ही अगर आपने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम करोगे तो आपका स्टोरेज कॉस्ट बढ़ जाएगा। मीन्स अगर आप ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट करोगे, यानी कि आप क्या करोगे, ज़्यादा लोड लेके आओगे, ज़्यादा लोड लेके आओगे तो आपकी स्टोरेज ज़्यादा चाहिए होगी, तो आपको उससे सबसे ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपका स्टोरेज कॉस्ट कम हो गया तो फिर आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम ज़्यादा बढ़ जाएगी, या फिर कैरी ज़्यादा करोगे, ठीक है। तो इसलिए हमेशा क्या होगा आपका, ये हमेशा ये दोनों कॉस्ट आपकी इनवर्स रिलेशन होगी। लेकिन आपको इस तरह से ऑर्डर देना है, दौड़ देना है कि ये दोनों कॉस्ट आपकी मिनिमम से मिनिमम हो, राइट। इसी को बोलते हैं हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वान्टिटी, यानी आप कितने क्वान्टिटी का ऑर्डर दो ताकि आपकी ओवरऑल ये जो कॉस्ट है, दैट मीन्स ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड स्टोरेज कॉस्ट, ये मिनिमम से मिनिमम हो जाए, राइट। इसको हम एक क्वेश्चन नंबर वन करेंगे तो आपको और बेटर क्लियरिटी होगी। देखते हो क्वेश्चन नंबर वन। अच्छा, इसका मैं एक बार फॉर्मूला लिखता हूँ। फॉर्मूला क्या होता है देखो, इसमें ई इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का टू मल्टीप्लाई बाय एनुअल डिमांड, मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट, डिवाइड बाय स्टोरेज कॉस्ट अंडर रूट, ये फॉर्मूला मतलब होगा। देखिए ईओ क्यू कैसे निकालोगे, मंथली डिमांड कितनी है 4000, ईओ क्यू टू मल्टीप्लाई बाय मंथली डिमांड कितनी होगी 4000, तो एनुअल डिमांड कितनी होगी मल्टीप्लाई 12। देन द प्रोडक्ट रिक्वायर्स अ कंपोनेंट, परचेजिंग प्राइस कितनी है 20 रुपये की है, यानी कि एक यूनिट का प्राइस कितना है 20 रुपये है। देन ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है 120 पर ऑर्डर, तो मल्टीप्लाई बाय कितना लगेगा 120 डिवाइडेड बाय स्टोरेज कॉस्ट देखिए कितना है, यहाँ पर होल्डिंग कॉस्ट कितना है 10%, होल्डिंग कॉस्ट देखिए कितना है यहाँ पर, दैट इज 10%, राइट। अच्छा, 10% ऑफ, 10% ऑफ परचेजिंग कॉस्ट, तो यहाँ लिखोगे 10% ऑफ 2 रुपीज, सॉरी 20 रुपीज, बस इसको अंडर रूट लोगे सो आपकी वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 2400 यूनिट्स, सिंपल। दैट मीन्स अगर आप इतने यूनिट्स लेके आओगे तो आपकी ओवरऑल कॉस्ट जो वो मिनिमम हो जाएगी, राइट। तो फर्स्ट पार्ट आपका हो गया, दैट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अब बोल रहे हैं सेकेंड पार्ट में, इफ द मिनिमम लोड साइज टू बी सप्लाई दैट इज 4000 यूनिट्स, व्हाट इज द एक्स्ट्रा कॉस्ट द कंपनी हैज़ टू इनकर, यानी वो बोल रहे हैं कि अगर आप जो है लोड साइज अगर आप 4000 यूनिट्स का लेके आते हो, यानी कि यही लेके आते हो, वैसे तो आपने ईओ क्यू के हिसाब से कहना 2400 कम, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है अगर आप 4000 ही लेके आते हो तो आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी पड़ेगी। तो पहले तो निकालो आप टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट एज पर 2400 यूनिट्स, 2400 यूनिट्स कैसे निकालेंगे, देखिए टोटल कॉस्ट देखिए पहले तो होगा आपका, दैट मीन्स ओवरऑल परचेजिंग कॉस्ट, परचेजिंग कॉस्ट, देन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, एंड देन स्टोरेज कॉस्ट, आपके यही तीन टाइप के आपके कॉस्ट जो सब ऐड होंगे। परचेजिंग कॉस्ट यानी कि हर यूनिट को खरीदने में आपने कितना खर्च करा। तो देखिए एनुअल कितनी डिमांड है, देखिए आप पूरे साल में कितने यूनिट खरीद रहे हो, 48000,
48,000 खरीद रहे हो, इसको खरीदने के लिए आप पर यूनिट आप कितना खर्च कर रहे हो, कितना लिखा है यहाँ पर 20 रुपीज़। सो मल्टीप्लाई बाय 20 प्लस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, कितना कितना आप खर्च कर रहे हो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अच्छा यहाँ पर सॉरी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं, सॉरी एक तरह से ऑर्डरिंग कॉस्ट बोल सकते हो, कुछ भी ले सकते हो वैसे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब ऑर्डरिंग कॉस्ट यहाँ पर कितना पर ऑर्डर के साथ कितने कर रहे हो, दैट मीन्स 120। आप बताओ कि आप जो है कितने यूनिट्स आप लेके आ रहे हो पूरे साल में, 48,000, और एक लोड में कितने यूनिट लेके आ रहे हो 2400 एज पर EOQ, राइट। और पर लोड में आप जो है ऑर्डर यानी कि हर एक ऑर्डर में कितना खर्च कर रहे हो आप, 120 रुपये। ये हो गया आपका ऑर्डर कॉस्ट के, देखो क्या दैट मीन्स 120 पर लोड, पूरे साल में 48,000 और एक लोड में 2400 प्लस स्टोरेज कॉस्ट, यानी कि आप कितना कितना कर रहे हो, एक लोड में कितना है 2400, तो 2400 से दोगे स्टोरेज कॉस्ट है कितना, मल्टीप्लाई बाय 2 रुपये के हिसाब से, 2 रुपये के साथ 10% ऑफ रुपीज 20 दैट इज 2। लेकिन याद रखना क्लास, आपको हमेशा इसका एवरेज लेना है, आपको इसका हमेशा एवरेज लेना है। सर एवरेज क्यों लेना है, देखिए अगर बात करें प्रैक्टिकली, आपने मान लीजिए एक बार में मान लीजिए 2400 यूनिट लेके आ गए पर हर यूनिट में 2 रुपये लग रहे हैं, तो आप एक बार जब लेके आए 2400 रुपये तो 2 रुपये लगे, फिर इनफैक्ट स्टोरेज में से निकलता भी तो रहेगा, कभी 2000 होगा, कभी 1500 होगा, कभी 1000 होगा, ये करते करते 0 भी आएगा, तो कॉस्ट 0 भी आ जाएगी, राइट। तो स्टोरेज कॉस्ट हम निकालते हैं एज पर दी एवरेज, यानी कि हम देखते हैं मिड वे, यानी कि ऑन एन एवरेज आप कितने यूनिट आप स्टोरेज में रखते हो, तो मैं कितना रखते हैं 1200, तो हम 1200 रुपये के हिसाब से जो लगाएंगे मटेरियल बैठू, राइट। सो बस आपका ये आंसर आ जाएगा, तो आपका ये आंसर रहेगा दैट इज 9,64,800 रुपीज़ एज पर 2400 यूनिट्स। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि अगर 4000 यूनिट्स लेके आते हैं तो कितने एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ेगी, तो हम निकाल रहे हैं टोटल कॉस्ट एज पर 4000 यूनिट्स, एज पर 4000 यूनिट्स, सेम वही परचेजिंग कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस स्टोरेज कॉस्ट। परचेजिंग कॉस्ट तो सेम ही रहेगी 48,000, भाई पूरे साल में वो इतनी लेके आ रहे हो, कोई चेंज होना आएगा। ऑर्डर कॉस्ट में आएगा, पूरे साल में कितने लेके आ रहे हो 48,000, एक लोड में कितना आ रहे हैं 4000 मल्टीप्लाई बाय 120। अब एक लोड में कितना लेके आ रहे हो 4000, उसका एवरेज और स्टोरेज कितने के लग रहा है 2 रुपये के हिसाब से, तो बस सबको ऐड करो तो ये आपका रहेगा 9,65,414, राइट। तो एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी पड़ेगी, यहाँ देखो ₹9,65,440 less ₹9,64,800 amounting ₹640, यानी कि इतना आपने एक्स्ट्रा को सेव कर लिया, राइट। चलिए सेकंड पार्ट हो गया, अब क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज द मिनिमम कैरिंग कॉस्ट द कंपनी हैज टू इनकर, मिनिमम कैरिंग कॉस्ट कितनी कंपनी को इनकर करनी पड़ेगी मिनिमम। भाई सीधी सी बात है, आप यहाँ देखो हमने EOQ निकालेगा, EOQ किस बेस पे निकाला हमने 2400 रुपये के हिसाब से, अब इसमें आपकी देखिए कैरिंग कॉस्ट कितनी पड़ेगी, थर्ड पार्ट में क्या निकालना है आपको, कैरिंग कॉस्ट निकालनी है, कैरिंग कॉस्ट मतलब स्टोरेज कॉस्ट, 2400 EOQ के हिसाब से डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, राइट। आपका आंसर कितना आएगा 2400, दैट्स इट, आपकी मिनिमम इतनी लगेगी। अगर आपने जैसे जैसे अपने यूनिट्स बढ़ाई तो खर्चा खर्चा बढ़ता जाएगा, ऐसे जैसा आपने यहाँ देखा था, ऑलराइट। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1, नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2, एनुअल डिमांड यूनिट दैट इज 2400, यूनिट प्राइस 2.4,
ऑर्डरिंग कॉस्ट ₹4, स्टोरेज कॉस्ट 2%, इंटरेस्ट रेट 10%, लीड टाइम हाफ मंथ, कैलकुलेट EOQ, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट इन द रिस्पेक्ट ऑफ पर्टिकुलर रॉ मटेरियल। देखिए काफ़ी इजी है, बस आपको फॉर्मूला लगाना है। तो सबसे पहले तो आप आंख बंद करके जो है फॉर्मूला लिखा करो, EOQ इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय एनुअल डिमांड मल्टीप्लाई बाय ऑर्डर कॉस्ट डिवाइड बाय स्टोरेज कॉस्ट अंडर रूट, राइट। चलिए 2 मल्टीप्लाई बाय एनुअल डिमांड देखिए कितनी है, दैट इज 2400 यूनिट्स, मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट यहाँ पर कितनी है, ऑर्डरिंग कॉस्ट है ₹4, राइट। देन स्टोरेज कॉस्ट कितनी है, स्टोरेज कॉस्ट लगी है 2% पर एनम, एंड ये भी यानी कि आप बरो लेके चलोगे 12%। देखिए जब स्टोरेज रखते हो काफ़ी टाइम तक रखते हो तो फिर एक तो 2% लगेगा आपके यूनिट के हिसाब से, लेकिन उस पर समटाइम्स जिसका आपने स्टोरेज रेंट पे लिया आपसे ब्याज भी लेता है, तो आप ओवरऑल 12% लेके चलोगे इसमें आप, राइट। तो यहाँ पर आप लोगे 12%, लेकिन 12% किसके लोगे 12% आप लोगे ओवरऑल पर यूनिट के हिसाब से कितनी आप खर्च कर रहे हो, दैट इज 2.4, दैट इज 2.4 भाई, इसका आप अंडर रूट लोगे आपकी वैल्यू हो जाएगी दैट इज 258 यूनिट्स। ये आपका आ गया इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अब आप सोचें टोटल कॉस्ट बताओ इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्टिकुलर ऑफ रॉ मटेरियल, टोटल कॉस्ट पूछ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, टोटल कॉस्ट निकालेंगे। अभी तक हम ऊपर भी ऐसे निकाला था, टोटल कॉस्ट निकाल कैसे निकालते हैं, परचेजिंग कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस स्टोरेज कॉस्ट। पूरे साल में हम कितना खरीद रहे हैं, 2400 यूनिट, एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 2.4, राइट। देन ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना लगेगा भाई, एनुअल डिमांड कितनी है 2400, ये आ जाएगा लॉट्स मल्टीप्लाई बाय ऑर्डर कॉस्ट कितनी है 4 रुपये के हिसाब से, राइट। स्टोरेज कॉस्ट कितनी है 2258, इसका एवरेज मल्टीप्लाई बाय आप लेके चलोगे 2.4 क्यों आएगा, सॉरी इसको हम कैलकुलेट करेंगे 2.4 का 12%, दैट इज 0.288, दैट्स इट। सबको ऐड करो सो यू विल गेट ₹5,833, दैट्स इट। यही पूछा था उसने, इजी है। देखो आप अलग अलग निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो, ये आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट होगा या आपका कैरिंग कॉस्ट होगा, अलग अलग निकाल सकते हो, मर्जी है कैसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन पत्थर देखिए, अनिल एंड कंपनी बाइज इट्स एनुअल कंजम्पशन 36,000 यूनिट्स इन 6 इंस्टॉलमेंट्स, ईच यूनिट कॉस्ट ₹1 एंड द ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 25, द इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट इज एस्टिमेटेड एट 20% ऑफ वैल्यू, फाइंड द एनुअल कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री पॉलिसी, हाउ मच मनी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वान्टिटी सेव कितना कर रहा है वो भी बताना है हमें, राइट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, पहले तो आंख बंद करके आप फॉर्मूला लिख दो, 2 मल्टीप्लाई बाय ए, दैट्स इट। बस अब सारी फिगर आप लिखते चले जाओ, 2 मल्टीप्लाई बाय एनुअल डिमांड कितनी है भाई, दैट इज 36,000, 36,000 है, मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है ₹25, गिवन आपको 25। देन आपको बताना है कैरिंग कॉस्ट या फिर स्टोरेज कॉस्ट कैसा आएगा, वो 20% लग रहा है, 20% ऑफ पर यूनिट हिसाब से वैल्यू कितनी है ₹1, तो कितना आएगा 0.2 आ रहा है, तो 0.2 अंडर रूट
that is equals to 3000 units. बस अपन निकलना है आपको टोटल कॉस्ट निकालनी है आपको 36000। पहले परचेजिंग कॉस्ट में लगे एक उसकी वैल्यू कितनी है 36000 मल्टीप्लाई बाय 25 रुपये के हिसाब से आएगा। अच्छा लेकिन ये तो 6 इंस्टॉलमेंट में मंगा रहे हैं ना, तो 6.5 नहीं ठीक तो है, अब से क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द एनुअल कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट मेसेजेस। ठीक है जैसे इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, प्लस आपका आ जाएगा देखो अगर आप इसको नाम भी लो कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज देखिए परचेजिंग कॉस्ट तो सब सेम ही रहेगी, सब सेम ही रहेगी। आपका मेनली कहाँ जाता है स्टोरेज कॉस्ट में और कैरिंग कॉस्ट में, तो मेनली हम क्या करते हैं ऑर्डर कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट निकालते हैं। ठीक है अगर आप बात करें ऑर्डर कॉस्ट प्लस स्टोरेज कॉस्ट की, ऑर्डर कॉस्ट यानी कि पर लोड के हिसाब से कितनी आएगी 36000 पूरे साल में, यूपी के हिसाब से 3000 रुपये इंटू में 25 प्लस स्टोरेज कॉस्ट कितनी लग रही है 3000 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय 0.2 राइट। इसको सॉल्व करेंगे आपकी वैल्यू आएगी 600 रुपये यूपी के हिसाब से। अच्छा क्या पूछा था कि फाइंड द एनुअल कॉस्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री पॉलिसी, एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री पॉलिसी क्या थी अच्छा उसको 6 यूनिट 6 इंस्टॉलमेंट अगर मंगाते हैं तो कितना आएगी एग्जिस्टिंग पॉलिसी का मतलब दैट इज एज पर 6000 यूनिट्स सर 6000 क्यों आपने भाई पूरे साल में कितना है 36000 6 इंस्टॉलमेंट यानी कि एक बार में कितना है 6000 के हिसाब से, तो बस क्या करना है आपको 36000 डिवाइड बाय 6000 इंटू में 25 प्लस 6000 डिवाइड बाय 2 इंटू में 0.2 दैट्स इट। इसकी वैल्यू कितनी रहेगी आपकी 750, यानी कि अगर एग्जिस्टिंग पॉलिसी होती है तो खर्चा कितना आएगा 750 और ईओ क्यू फॉलो करते कितनी आएगी 600 रुपये, तो आपने सेव कितना कर लिया 150 रुपये। तो हमेशा ईओ क्यू जो है वो हमेशा मोस्ट आपका बेनिफिशियल होगा।